जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पे। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है भाई चंद्र ग्रहण, जो अपना 8 नवंबर को आ रहा है। इस दिन हम क्या करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या नहीं, और हम कौन सा मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, और क्या ये हमारे लोकल एरिया जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हो नहीं, उन सारी चीजों की जानकारी लेके मैं आज आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि काफी फेक वीडियो यूट्यूब पे आ रही है कि आप इस मंत्र का ये जाप कर लो, इस मंत्र का ये जाप कर लो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी होगा और सारी चीज की वो होगी, क्योंकि उस दिन कोई भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता भाई जी। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो पे बने रहे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जी जो अपना चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर मंगलवार वाले दिन 5:32 से लेकर 6:18 तक है शाम के टाइम, जिसका सूतक काल भी भाई जी सुबह लग जाएगा, और वो भाई अपना दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ हरियाणा यहाँ पे कहीं भी वो लागू नहीं होगा और ना ही चंद्र ग्रहण यहाँ पे देखा जाएगा। अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है या कुछ भी आपको चीज सिद्ध करनी है तो आपके उसके लिए ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो और कोलकाता असम के लिए आप रवाना हो जाइए, क्योंकि चंद्र ग्रहण वहीं पे दिखेगा, या फिर सिंगापुर चले जाइए वहीं पे आपका चंद्र ग्रहण दिखेगा ये वाला, क्योंकि ये लोकल जो अपना एरिया है दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब वगैरह यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा और इसका असर भी नहीं दिखेगा, और कोलकाता असम की साइड इसका असर दिखेगा। मंत्र को सिद्ध करना तो उस साइड चले जाइए और अपना सिद्ध करके आ जाइए। यूट्यूब पे काफी जानकारी आ रही है भाई, आप ये मंत्र को सिद्ध करो, इस मंत्र को सिद्ध करो, इसका वो करो, इसका वो करो, जानकारी गलत दी जा रही है। तो भाई पहले वो जानकारी इकट्ठा कर लो भाई, फिर लेके आओ चंद्र ग्रहण दिख कहाँ रहा कहाँ नहीं। ये शाम के टाइम शुरू हो जाएगा, 5:32 से लेकर 6:18 तक शुरू होगा चंद्र ग्रहण, और ये कोलकाता असम वगैरह अपने पश्चिमी हिस्से जो इंडिया के वहां पे देखा जाएगा, ना कि अपने इस लोकल एरिया में देखा जाएगा। वो दिन सावधानियां क्या रखनी है, कुछ सावधानियां नहीं रखनी है, और अपना मौज में रहो, मौज में खाओ, अपना मंदिर को खोलो, सारी चीज करो। जहाँ भाई मेरे कलकत्ता साइड वाले बंदे हैं जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कलकत्ता असम साइड के हैं, उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी भाई ध्यान रखना। अपने मंदिर के सामने पर्दा कर देना, पूरे चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिट्टा दे देना। हाँ पर भाई गंगा जल का छिट्टा जो मेरे यहाँ पे लोकल भाई भी रहते हैं वो भी एक बार जरूर दे देना, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद वैसे तो असर दिखेगा नहीं, पर घर की एक शुद्धिकरण आपके लिए करने के लिए बहुत जरूरी है। छोटी सी वीडियो में आपके एक अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ हनुमान जी का दूध कैसे प्राप्त करें, एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी, जिससे आपको हर चीज में बारीकी से समझाऊंगा, हर चीज को एक एक चीज पॉइंट आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी भाई माइक की थोड़ी दिक्कत थी तो मैंने माइक भी बाय कर लिया, माइक भी आने वाला है, उसके लिए आपकी वॉइस भी थोड़ी क्लियर होगी और वॉइस भी आपके बीच में आएगी। तो भाई आप टेंशन ना लेने की जरूरत है, आप कुछ नहीं कर सकते 8 नवंबर को, ना ही कोई मंत्र सिद्ध होगा। जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो सारी फेक देख रहे हो, क्योंकि अगर मंत्र सिद्ध करना आपको कलकत्ता असम जाना पड़ेगा, सिंगापुर, थाईलैंड, और जिसका इतना बजट है वो जाके एक मंत्र सिद्ध करके ला सकते हो। नहीं तो भाई अपना आज से ही कोई मंत्र सिद्ध करना तो आज से ही बैठ जाओ, चंद्र ग्रहण तो सिद्ध हो ही जाएगा। 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेके बैठ जाओ, मंत्र का जाप देखो कितना है, कितना नहीं, कितने मंत्र जाप करने हैं, आज से ही बैठ जाओ, जब तक तो कोई ना कोई सिद्ध हो ही जाएगा। अगर कोई नया मंत्र आप चंद्र ग्रहण पर सिद्ध कर रहे हो तो अभी कोई आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।